हेलो फ्रेंड्स जी के टिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रशिया व यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो यह युद्ध क्यों चल रहा है इस वीडियो में जानेंगे और इसमें वो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है नाटो अमेरिका व पश्चिमी देशों के बीच एक समझौता है नाटो की सेना एक होती है जो नाटो देशों की सुरक्षा करती है और रूस को ये कतई पसंद नहीं क्योंकि उसे लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया क्योंकि तो यूक्रेन की सीमा रूस से लगती है तो अमेरिका उसके खिलाफ यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल करेगा फिर यूक्रेन से लड़ना मतलब तीस देशों से लड़ना होता है क्योंकि नाटो में तीस पश्चिमी देश शामिल होते हैं अब चलिए इस पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलुदमिर जेलस्की वीर जलस्की दो से यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वलुदमिर जलस्की एक कॉमेडियन थे पहले अब वो यूक्रेन देश के राष्ट्रपति है। हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेरिस सिमाल जो कि 2022 से हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था फिर उसके विघटन के बाद वो एक स्वतंत्र देश बना तो इसमें बताना है कि वो स्वतंत्र देश कब बना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उन्नीस में सोवियत संघ के विघटन के, के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना था अगला प्रश्न है यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है एशिया महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी यूरोप महाद्वीप यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला तो सबसे बड़ा देश कौन है रूस जो कि आप जानते हैं रूस यूरोप का सब पहला सबसे बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश है नेक्स्ट यूक्रेन की राजधानी क्या है पेरिस क्यू रोम या खार्किव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कीव यूक्रेन की राजधानी है और पेरिस किसकी राजधानी है पेरिस राजधानी है फ्रांस की फ्रांस की राजधानी है पेरिस और रोम है इटली की राजधानी इटली की राजधानी है रोम और खार्किव यूक्रेन का एक शहर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्यू यूक्रेन की राजधानी है अगला प्रश्न देखते हैं यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है इसमें बताना है यूक्रेन देश की मुद्रा मतलब करेंसी क्या है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए यूक्रेनियाई रिविनिया इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट बताना है रूस के राष्ट्रपति कौन है इस वक्त तो रूस के राष्ट्रपति इस वक्त व्लादिमिर पुतिन बी राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमिर पुतिन इस वक्त रूस के राष्ट्रपति हैं ये 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशिस्टिन रूस के प्रधानमंत्री हैं अगला प्रश्न रूस किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इसमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसीलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है रूस किस महाद्वीप में स्थित है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया या अफ्रीका या एशिया और यूरोप दोनों तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा और अफ्रीका ये भी गलत आंसर हो जाएगा तो रूस एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यह दो महाद्वीप एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है क्योंकि रूस की जो राजधानी है मास्को वो यूरोप में पड़ती है इसीलिए रूस यूरोप देश में गिना जाता है अगला प्रश्न है रूस की राजधानी क्या है ए मास्को बी बर्लिन सी तालिन या कीव तो कीव जो है वो तो यूक्रेन की राजधानी है तो रूस की राजधानी होगी ऑप्शन ए मॉस्को और बर्लिन राजधानी है जर्मनी की जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और तालिन राजधानी है एस्टोनिया एस्टोनिया की राजधानी है तालिन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा इसके ऑप्शन हैं चौबीस जनवरी पच्चीस जनवरी अट्ठाईस जनवरी या तेईस जनवरी कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय